हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ब्रजेश कुमार, मैथ्स टीचर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ललिता सर इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास। मैं आप सभी का ललिता सर इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से लिया है और उसमें मैं आपको थीटा का व्यापक मान जो है निकालना सिखाऊंगा। और कल के पीडीएफ में ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिसका सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टू सेक थीटा है। टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टू सेक थीटा है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे दिख नहीं रहा है और हमें इसे सॉल्व करके इसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के फॉर्म में लाना होगा, तभी हम फॉर्मूला यूज करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और बिगिन में ही मैंने आपको बोला था ये सब सारे फॉर्मूले आप याद रखें ताकि आसानी होगी सॉल्व करने में। और सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, मैंने कॉस थीटा लिख दिया। अब यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम हम लेते हैं कॉस और साइन लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंश में। तो साइन स्क्वायर थीटा, इससे इसको डिवाइड करेंगे पूरे को, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस को मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा टू अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये आइडेंटिटी आपको बताया था, इसकी वैल्यू वन होती है, तो वन आप पुट कर दीजिए तो मिल जाएगा वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ओनली टू बाई वन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टू साइन थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा, वन इंटू वन वन। अब टू की हमें जरूरत नहीं है तो इसको डिवाइड मार देते हैं, तो हो जाएगा वन बाई टू। अब देखिए आ गया, अभी साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू है। अब हम इसे आसानी से बदल करके साइन अल्फा के रूप में इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन, कितनी की वैल्यू होती है ये पाई में बताइए, तो आपको मालूम ये 30 की वैल्यू होती है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6। अब ये हो गया थीटा और ये हो गया अल्फा। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आपको मैंने बताया है, एन पाई प्लस माइनस वन के कॉस एन, इतना तो आपको लिखना है, और अल्फा की जगह क्या लगा देना है पाई बाई 6, ये आपका हो गया सलूशन। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसे बदलेंगे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में बदलेंगे, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे गुणनखंड खंड करके या सिद्धाचार का फॉर्मूला लगा करके। और जब हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म होता है। और एक चीज विशेष ध्यान देते हैं कि जो वेरिएबल होता है वो एक ही होता है, यहाँ वेरिएबल एक्स यूज है यदि टी के, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है, इन एक्स में है, वेरिएबल एक्स में। यदि यहाँ टी होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी होता है, थीटा होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थीटा होता है। इसका मतलब जो क्वांटिटी यहाँ ली जा रही है, जो वेरिएबल है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिख तो रहा है लेकिन क्या यहाँ साइन थीटा या कॉस थीटा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों को या तो हम साइन में कन्वर्ट करें या तो हम कॉस में कन्वर्ट करके, या उसके बाद हम फैक्टराइज करेंगे, और उसके बाद यदि फैक्टराइज नहीं होता है तो हम सिद्धाचार फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको इधर ले गया इस फॉर्म की तरफ बनाने के लिए, तो ये माइनस वन बाई फोर और इधर हो गया जीरो। अब हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं, फोर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ गुणा करने पर, तो फोर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फोर का इसमें, तो कोस साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा फोर कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस वन, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा तो वन ही आएगा टू जीरो। अब यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना है इन सिंगल वेरिएबल, तो हम क्या करते हैं, फोर हमने बिगनिंग में बताया था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, होता है। चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, अब फोर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फोर फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लेते हैं, माइनस फोर कॉस थीटा उसके बाद लिख लेते हैं, और फोर में से माइनस वन को यदि हम वन को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये होगा प्लस इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर
कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस फोर कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस इक्वल टू जीरो। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप क्लास नाइन्थ में क्लास टेंथ में आपने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे आपने सॉल्व करना सीखा है, यदि वो फैक्टराइज से सॉल्व मतलब गुणनखंड करने से भी सॉल्व हो जाता है, नियम से सॉल्व हो जाता है, तो हम उसे नियम से कर सकते हैं। यदि नहीं भी होता है तो हमारे पास त्रिद्राचार फॉर्मूला है जब हम गुणनखंड नहीं कर पाते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या इसका गुणनखंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसका नियम क्या है कि ये यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसकी मदद से हम बीच वाले को फाइंड आउट करते हैं। तो फोर और थ्री का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हमें अपने मन से ऐसे दो डिजिट या दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास हमने 4 × 3 = 12 हमको मिल गया। अब हमको अपने से डिसाइड करना है, हम अपने से लेना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिनका हम मल्टीप्लाई करें या डिजिट है जिनका मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 ही मिले। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 × 2 है ये भी 12 होता है, हमारे पास 3 × 4 है ये भी 12 होता है, और हमारे पास 12 × 1 है ये भी 12 होता है। अब ये जरूरी है कि ये तीनों में से हम ले कौन सा, तो हम उसी को लेंगे तीनों में से जिनकी मदद से हमें बीच वाला मिडिल वाला टर्म्स हमें मिल जाए, वो भी विद साइन इसका साइन प्लस का तो हमें मिल जाए। यदि हम ये 3 और 4 लेते हैं तो लेने का क्या तरीका है, या तो उनको ऐड करके या तो उनको सेपरेट करके हम बीच वाले को फाइंड आउट करते हैं। तो यदि हम 3 और 4 लेंगे तो ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार हम इसको ले लेंगे 12 और 1, ऐड करेंगे 13, और यदि माइनस करेंगे 11, इसको भी हम नहीं ले सकते। लेकिन हमारे पास जो ये नंबर है 6 और 2 12 तो आ रहा है, लेकिन यदि हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और ऐड कर दें तो हमारे पास 8 हो जाएगा। तो हम नियम में यही बताया गया, या तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या तो हम ऐड करते हैं। तो हमारे सब्ट्रैक्ट करने से ये बैठ जा रहा है, बीच वाला मिडिल टर्म्स मिल जा रहा है, इसलिए हम 6 और 2 लेंगे। तो हमने क्या किया, 4 cos² थीटा, और हमने 4 cos थीटा को लिख दिया, उसकी मदद से 6 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 = 0। अब हम क्या करते हैं, दो दो का पेयर बना लेते हैं, आपने पढ़ा होगा दो दो का पेयर बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2 का इसमें भी डिवाइड, इसी 8 भी डिवाइड हो जाएगा तो इसमें ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ दो नहीं, यहाँ दो कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा इसमें भी, cos थीटा इसमें भी, तो हम 2 cos थीटा क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो 2 cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो हमने 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, तो हमें मिल गया यहाँ पे 2 स्क्वायर लगा हुआ, तो 1 cos थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे 2 से डिवाइड मारेंगे तो 3 cos थीटा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 3 बच जाएगा, और यहाँ दोनों कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं, हम 1 कॉमन लेते हैं, और हमारा जो साइन पहले माइनस का है, तो जब हम इसको ब्रैकेट लगाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है 2 cos थीटा, और माइनस से तो 10 हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो सेम आएगा हमें, तो हमारे ये दोनों सेम है, इसको हम टेक आउट करते हैं, बाहर लेते हैं, 2 cos थीटा + 3 1 ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा 2 cos थीटा - 1 = 0। अब क्या इसका रूल है, इसका रूल है कि इसको भी 0 के बराबर लिख सकते हैं और इसको भी 0 के बराबर लिख सकते हैं, मतलब लिखेंगे ही, लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे, तो ये 0 हो गया एंड 2 cos थीटा - 1 = 0 हो गया। अब 2 cos थीटा हम 3 को उधर भेज देते हैं, साइन तो प्लस है, उधर जाएगा माइनस, और cos थीटा जैसे ही हम निकालते हैं तो वो डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा। अभी कोई वैल्यू नहीं होती cos में, तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ निकाल ही नहीं सकते। अब क्या करते हैं, 2 cos थीटा 1 को उधर भेज देते, 1 हो जाएगा, और cos थीटा 1 को डिवाइड मार देते तो 1/2 हो जाएगा। हमें मालूम है कि cos कितनी की वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू जिसको हम पाई गई लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर निकाला जाएगा, ये थीटा ये अल्फा, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया 2n π प्लस माइनस उसके बाद अल्फा लिख दीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तीनों अंत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएंगे, और आपको जो है उनका गुणनखंड करके उसको सॉल्व करना है। यदि सॉल्व नहीं होता तो आपके पास त्रिद्राचार फॉर्मूला है, जो कि मैं लिख देता हूँ एक्स के फॉर्म में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके बारे में आपने अच्छे से क्लास टेंथ में पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन भी इस पर किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यदि गुणनखंड कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो इस फॉर्मूले से आप उसको सॉल्व करके आप थीटा की वैल्यू, थीटा का व्यापक मान आप निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन पीडीएफ में आपको कल के लिए दिया गया है, और
इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, खुद से ट्राई करिए, और यदि कोई चीज़ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें से संपर्क करें, हम उन चीज़ों को फिर से आपको बताएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है आपको अच्छे से अच्छे हम कह सकते हैं बेहतर तरीके से चीज़ों को सिखाना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कभी भी वीडियो जो है आप वहाँ से जो है प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच।